हैं भारत की राजनीति की तरफ, क्योंकि भारत की राजनीति में अगर हम बात करते हैं तो कल एक ऐसा बयान आया जिसके बाद भूचाल सा दिखाई दे रहा है। हर कोई बात कर रहा है लेकिन गोदी मीडिया में उसका जिक्र नहीं है। मैं बात कर रही हूँ मायावती जी के बयान की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो सपा को हराने के लिए भाजपा का साथ देंगी। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मायावती के खजिके में एक बहुत पुरानी टीस है और वो टीस 1995 में हुई थी, जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके गेस्ट हाउस पर हमला किया था और उनको किसी जान बचाकर भागना पड़ा था। वहां से सपा और बसपा के बीच में दरार पड़नी शुरू हुई। आज धीरे धीरे मायावती का अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो डिप्लीट हो रहा है, बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। और ऐसी हालत हो गई थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत गिनती की सीटें उनको मिली थी पिछले चुनाव के अंदर, हालांकि उन्होंने सपा के साथ ही गठबंधन किया था। और आपको याद होगा कि वहां पर बुआ और बबुआ का मेल आपने देखा होगा जब इलेक्शन हुए थे। तो इस तरह से वो सपा के साथ मिल गई जा करके, और उन्होंने अपने उस पुराने केस तक को बंद कर दिया कि मुझे अब उसमें कोई रुचि नहीं है। पर आप ये देखिए कि हर राज्य के अंदर उनका एक एमएलए था, कर्नाटक के अंदर वो कभी पहले कांग्रेस के साथ था, बाद में वो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। उनके 6 एमएलए आपके यहाँ पर राजस्थान में थे, उन्होंने 6 के 6 ने अशोक गहलोत का समर्थन कर दिया। अब उनका 1 या 2 एमएलए उनके मध्य प्रदेश में थे, वो भी रूलिंग पार्टी के साथ जाने को तैयार बैठे रहते थे, उन्होंने कभी भी मायावती के टिकट का समर्थन नहीं किया। तो मेरा ये सोचना है कि मायावती को बीजेपी अब ब्लैकमेल कर रही है, क्योंकि मायावती पर आपको याद होगा इनके भाई आनंद के ऊपर भी सीबीआई इनकम टैक्स की रेड हुई थी और कई केसेस इनके खिलाफ बनाए गए हैं। और ये मायावती को अच्छी तरह से मालूम है कि भाजपा इस काम के अंदर पूरी एक फैक्ट्री चलाती है, उनका पूरा एक एक्सपर्टीज है। जब भी चुनावी समीकरण आएगा तो भाजपा अपना वो दाव पहले खेलती है, जैसे सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स का केस खोल करके उसको ब्लैकमेल किया जाए। और ये भारतीय जनता पार्टी कई पार्टियों के साथ पार्लियामेंट में, राज्यसभा में अपने बिल पास करवाने के लिए आए दिन ये काम करती है। तो मायावती को अब फिर ये दिखाई दे रहा है कि मुझे मुझे अगर कहीं यहाँ पर जगह नहीं मेरी बन रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, जैसा मैंने पहले भी बोला आपको कि उनकी पॉलिटिकल कैपिटल खिसक रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आपने सुना होगा चंद्रशेखर आजाद बहुत तेजी से ऊपर आ रहे हैं, वो अब दलितों के कई नेता खड़े हो गए हैं आकर के। तो इससे जो उनका एक मोनोपोली थी, दलितों का वोट हमेशा मेरा ही रहेगा, वो उनका वहम अब तो अब उन्हें नजर आ रहा है कि मेरे पास भाजपा के साथ जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। तो सर, क्या उनके पतन का दौर अब शुरू हो चुका है या पतन हो चुका है? देखिए, पतन का दौर तो उनका आज से 3 साल पहले ही शुरू हो गया था। अब सिर्फ वो एक एक अपनी वजूद को बचाए रहने के लिए किसी तरीके से, जिसे कहते हैं ना क्लॉज टू द स्ट्रॉ, वो अब उनका चल रहा है कि किसी तरीके से मैं एक बार वो भाजपा का समर्थन पहले भी कर चुकी है सरकार बनाने के लिए, आपको याद होगा। तो उन्हें अभी उन्हें अपने आप को किसी तरह से बचाए रखने के लिए उन्हें एक ही जरिया दिखाई दे रहा है कि अगर मुझे सपा को हराना पड़ा, अभी उनसे कोई पूछे उत्तर प्रदेश के अंदर उनका दुश्मन कौन है, अगर देखा जाए तो विपक्ष के हिसाब से उनका दुश्मन तो भाजपा है, मगर वो नहीं उनको दिखाई देता जो समाजवादी पार्टी एक और छोटी पार्टी है, वो उसको हराने के लिए मैं भाजपा का समर्थन लूंगी, ऐसा बयान वो दे रही। सर, एक आखिरी सवाल मेरा बिहार चुनाव से है कि बिहार चुनाव का पहले चरण का मतदान हो चुका है, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि भारतीय जन जैसे दरभंगा से जो खबर आई थी वो भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाली थी, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं कि 71% वोट आ चुका है और बिहार की जनता ने कहीं ना कहीं दिखा दिया है कि वो उसका रुख किस तरफ है? आप
राजनीतिक विशेषज्ञ है, हर जोड़ तोड़ आप समझते हैं, तो किस तरह से देखते हैं सर आप? देखिए खुशबू, मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार का पिछले 15 वर्षों का जो शासन रहा है उसमें बिहार को कुछ खास मिला नहीं। आप देखिए, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो एक वो जो अनाथ बच्चों के घर का एक लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ वो किस्सा हो, और कुल मिला के देखिए आप बिहार में चाहे वो COVID-19 हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो वहां पे कोई विकास जैसी कोई चीज दिखाई नहीं देती, और जो भी विकास हुआ है वो इतना थोड़ा है कि आज जो संचार का, कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो इतना बढ़ चुका है कि वो लोग देखते हैं कि दूसरे राज्य कितनी तेजी से और कितनी तरक्की कर रहे हैं। तो और आपने देखा होगा कि माइग्रेंट लेबर के मामले में बिहार के लोग किस तरह से सड़कों पर पैदल सामान लेके जाते हुए आपको दिखाई दिए, कितनी प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ी और सरकार ने कुछ नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि इतना भारी मतदान, क्योंकि जो एवरेज चल रहा था बिहार में वो 53-54% ही चल रहा था, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो 2015 का विधानसभा इलेक्शन हो, चाहे वो 2010 का इलेक्शन, 53% 52-53-54 के आसपास ही चल रहा था, और जैसा आपने बताया कि ये 71% तक जा चुका है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक भारी बदलाव की तरफ इंडिकेट करता है, भारी बदलाव की तरफ इंडिकेट करता है, और शायद जनता त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी का भाषण आपको याद होगा कि कितने का पैकेज चाहिए, 50 करोड़, 60,000 करोड़, 1,25,000 करोड़ का पैकेज देता हूँ, मगर शायद 1,25,000 करोड़ के नाम पर बिहार के लोगों को कुछ मिला नहीं। तो ये सब नजर आ रहा है, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, बिहार की एक समस्या रह गई है सबसे बड़ी, और वो है बेरोजगारी। मैं समझता हूँ कि जो युवा मतदाता है वो इस बार बड़ा डिसिसिव वोट करने वाला है, और यही वजह है हरी अंतर आपको मतदान में दिखाई दे रहा है, बदलाव। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। सर मैं आपको लिंक भेजती हूँ। थैंक यू, ओके।